योगेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि श्रमिकों के लिए आने वाले समय में कई नई योजना आ रही हैं जिससे श्रमिकों के हित में कार्य किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। योगेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट लाएगी। एक प्रेस वार्ता की गई है, यहाँ मौजूद हैं योगेश कुमार, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इन्हें एक ऐसा पद दिया गया है जिससे जाहिर तौर पर हालात सुधरेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का पद मिला है आपको, आज से पहले भी कई कार्यभार आपने संभाले हैं, अब कैसे बदलाव आएगा? देखिए, अभी पार्टी ने पहली बार सम प्रकोष्ठ का गठन किया है और ये उत्तर प्रदेश में गठन हुआ है और इस उम्मीद के साथ, आप सब ने देखा होगा कोरोना के समय में श्रमिक अपने जब फैक्ट्रियों से फैक्ट्रियां बंद हुई तो निकला, पैदल निकल लिया, तो पार्टी की ओर से उनके सेवा का काम किया गया। पार्टी संगठन ने देखा कि उनके लिए जो सहयोग हो सकता है उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, तो ये भविष्य की योजना के लिए पार्टी ने श्रम प्रकोष्ठ का गठन किया और मुझे प्रदेश का सहसंयोजक उसमें मनोनीत किया है, क्योंकि गाजियाबाद क्षेत्र में से मैं पार्टी में पहले भी कई दायित्व निभाता रहा, पार्टी का इससे पहले अपने पश्चिम क्षेत्र का कार्यालय का प्रभारी था, तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है नए प्रकोष्ठ में बहुत सारे लोगों को पूरे प्रदेश में जोड़ा है। सर, साहिबाद विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है, इसकी कुछ मांगे हैं, अस्पताल, स्कूल, अस्पताल के लिए जगह चिन्हित की गई है इंदिरापुरम में, कब तक बनकर तैयार होगी? ऐसा है कि पुरानी मांग है, साहिबाबाद विधानसभा का क्षेत्र बड़ा है और जो अस्पताल नहीं था, लेकिन सरकार में जब ये संज्ञान विषय आया तो उन्होंने प्रयास किया योगी जी के नेतृत्व में और यहाँ के जो सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी हैं उन्होंने बड़ी इस बारे में मेहनत करते हुए और क्षेत्र में चार क्षेत्र में चार जगह विधानसभा के अंदर 100 बेड के अस्पताल के लिए को चिन्हित करने का काम किया है और निश्चित रूप से अभी सरकार 100 बेड की अभी मांग है, लेकिन हमारे सांसद जी का प्रयास है कि 250 बेड का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो गैप है वो 400 बेड का गैप है अभी गाजियाबाद में, तो 400 बेड के अस्पताल की मांग है अभी, तो वो जल्द ही योगी जी की सरकार में पूरा काम होगा निश्चित रूप से, ऐसा मेरा विश्वास है। 2022 में किस तरीके से तैयार है बीजेपी, क्योंकि ऐसा लग रहा है, हम लोगों से बातचीत करते हैं और ऐसा लगता है कि बिहार एक बार फिर से वही है बीजेपी वाली, क्या कहेंगे? बीजेपी की निश्चित रूप से सरकार बनने वाली है, विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है, तो आप ये मानकर चलिए कि 2022 भाजपा का शासन का वर्ष होगा और फिर 5 साल भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का काम करेगी, क्योंकि जनता के बीच में 2017 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो लगातार जनता के बीच में काम कर रही है और जनता को वो काम दिख रहा है। मजदूरों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर जिस तरीके से 12-12 घंटे काम किया करवाया जाता था और उनको एक तयशुदा रकम के तौर पर ठेकेदारी प्रथा के तौर पर एक तयशुदा रकम दी जाती थी, अब ये राहत मिलेगी कि वो 3 दिन अपने परिवार को दे सकेंगे। ये थे हमारे साथ में योगेश कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने साफ कर दिया कि अब ऐसे कानून आएंगे जिनसे जाहिर तौर पर सामान्य लोगों को राहत मिलेगी। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वहीं बस्ती के उजी गांव में एक दरोगा की ग्रामीणों